Hi, this is Aftab Shirdasani. Keep watching Expose India. उत्तर प्रदेश में भगवा रंग का परचम लहराने के बाद भाजपा की नजरें अब नगर निकाय चुनाव पर टिकी हैं। ऐसे में इटावा नगर निकाय चुनाव में उतारे गए प्रत्याशियों के लिए भाजपा पूरा दम लगा रही है। इसी को देखते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा के समर्थन में जनसभा की और इटावा से नगर निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से लेकर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन जिन जिलों में नगर अध्यक्ष अन्य पार्टियों के हैं, हम वहां जो भी योजनाएं और पैसे भेजते हैं उस पैसों का विरोधी दल दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने इटावा की जनता से भाजपा के नगर अध्यक्षों को भी भारी मतों से जिताने की अपील की। आपको बता दें कि इटावा से ही भाजपा की बागी प्रत्याशी शोभा दुबे निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। बताया जा रहा है कि शोभा दुबे भाजपा की प्रत्याशी विनीता गुप्ता को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। 26 तारीख को कमल के फूल पर वोट दे करके विरोधियों को ऐसी चोट दे दीजिए कि उनको यह पता चल जाना चाहिए कि इटावा की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता अब जाग चुकी है। सपा बसपा कांग्रेस की पंचायत की जमीन पर कब्जा किया होगा, उस कब्जा करने वाले के जमीन पर जो भूमाफिया है वहाँ बुलडोजर चलवाने में भी हमें हिचक नहीं होगी। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।